मतलब 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ साल के अंत तक तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं और इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। आपको जानकारी दे दें कि अब कांग्रेस पार्टी की CWC बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC की बैठक में तमाम अहम फैसले सुना दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना में पहली CWC की बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक में ना सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहे। बैठक में अध्यक्ष खड़गे के द्वारा कई बड़े बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। अध्यक्ष खड़गे के द्वारा ही शुरुआती संबोधन दिया गया। जिन मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया वो बताने के लिए काफी रहा कि कांग्रेस किस राह पर आगे बढ़ने वाली है। जानकारी दे दें कि CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और BJP पर भी उन्होंने वार किया। साथ ही साथ उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस खड़गे स्टाइल में चुनाव लड़ने जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तेलंगाना में बैठकर ये मीटिंग की जा रही है, ये नहीं भूलना चाहिए कि सोनिया गांधी की कोशिशों ने ही इसे राज्य बनाया। हम उनको विश्वास दिलाते हैं तेलंगाना में भी हमारी सरकार बनेगी, हम वहां के लोगों के सपने जरूर पूरे करेंगे। राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गरीब, वंचित, किसानों का मुद्दा उठाए हैं, सभी वर्गों ने उनका साथ दिया है, उस यात्रा में हिस्सा लिया, वहीं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तमाम बातें कह डाली हैं। अध्यक्ष खड़गे के मुताबिक राहुल गांधी ने जो मोहब्बत की दुकान का नारा दिया है वो पूरी दुनिया में आम जनता की आवाज बन गया है। ऐसे में देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में राहुल गांधी की तारीफ की और साथ ही साथ मोदी सरकार पर भी हमला बोल दिया। तो यहाँ पर ये साफ हो चुका है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टाइल में अब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जानकारी दे दें कि पिछले साल मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा CWC को भंग कर दिया गया था और अब देखा जाए यहाँ पर खड़गे तमाम बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार इन विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में क्या वाकई में कांग्रेस जीत हासिल कर पाती है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।